we all know that our school is going to organize art and craft competition. So today I am going to give a demo from ice cream sticks. So let's start. हमने यहाँ पे एक फ्रूट बनाना है. फ्रूट के लिए मैंने एक ऑरेंज कलर का पेपर सर्कल में कट कर लिया है. अभी हमें इसे सेंटर से कट करना है. मैंने यहाँ पे फ्रूट ऑरेंज लिया है. आप एप्पल, तो एप्पल के लिए हमें रेड कलर का पेपर चाहिए. जो भी फ्रूट लेना है उस कलर का पेपर चाहिए होगा. उसके बाद हमें इसमें पेंसिल से ये ड्रॉ करना है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. सेम चीज़ इसमें भी करनी है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब हमें इसको कट कर देना है. सेम इसमें भी ऐसे ही इसमें कटिंग कर देनी है. हमें इसके सेंटर में आइसक्रीम स्टिक लगानी है. इसको ज्वाइंट करने के लिए ये पीछे से आइसक्रीम स्टिक से ज्वाइंट कर देंगे. के बाद ये हमने ऐसे स्टिक ज्वाइंट कर दिया. अब हमें ये जो ऑरेंज का एक साइज का है ये हमें एक साइड में लगा देना है. और दूसरे पार्ट को अभी हमें एक वाइट कलर के पेपर पे स्ट्रिप कट करनी है. और उसे ब्राउन कलर कर देना है. उसे हमें ये फ्रूट के अपर साइड में ऐसे लगा देना है.
अभी हमें इसकी लीव करनी है, तो हमें प्लेन पेपर पे लीव्स को ड्रॉ कर लेंगे। उसे कलर करनी है, लाइट ग्रीन से कलर करेंगे। और इसे भी फेविकोल से ये हमें यहाँ पे स्टिक कर देंगे। अब हमें ब्लू कलर से इसके सीड्स ड्रॉ कर देना है। ये हमारा ऑरेंज रेड। अभी नेक्स्ट हमें आइसक्रीम स्टिक से रेनबो बनाना है। सो सबसे पहले हमें क्लाउड का शेप ड्रॉ करना है। उसके बाद उसे कट कर देना है। साइड में करना है। ये हमारा क्लाउड्स रेडी। उसके बाद हमने कुछ आइसक्रीम स्टिक ली है, उन्हें कलर कर लिया है। अब इन्हें आइसक्रीम स्टिक को वन बाय वन इसमें नीचे स्टिक कर लेंगे। आप इस क्लाउड को चाहे तो आप कलर कर सकते हो या ग्लिटर यूज कर सकते हो, मैंने तो प्लेन वाइट लिया है। अब हमें ये स्टिक्स इसमें स्टिक करनी है। तरीके से और ये क्लाउड्स इनके ऊपर स्टिक कर देना है। एंड ये हमारा रेनबो रेडी। अभी हमें आइसक्रीम स्टिक से एक फोटो फ्रेम बनानी है। तो सबसे पहले हम आइसक्रीम स्टिक को करके टेप से सिक्योर कर देंगे।
तरीके से हमें दो दो स्टिक को आपस में ब्लेंड कर देना है। अभी हमें इसे इस तरह से करना है। ऐसे ये स्टिक स्टिक करनी है। अभी हम इसके ऊपर किसी भी स्केच से पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। ये फैमिली कौन से अच्छे से ऐसे स्टिक करने हैं हमें। उसके बाद ये हमें छोटे छोटे से फ्लावर किसी भी पेपर से कट करके आप लगा सकते हैं। ये आपके पास जो भी मटेरियल है उससे आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। आप फोटो फ्रेम के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेन पेपर लिया है और ऊपर मैं ऐसा कुछ कर दूंगी। और ये आपका फोटो फ्रेम रेडी। थैंक यू।